जो व्यक्ति अपने भोजन में ज़्यादा मसालेदार सब्जियों का यूज करते हैं, या जो फास्ट फूड को ज़्यादा रेफर करते हैं, या फिर स्पाइसी फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, उन व्यक्तियों में पेट से संबंधित समस्याएं जैसे गैस बनना, एसिड ज़्यादा बन जाना, खट्टी ढकारे आना, पेट में जलन होना, ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है। या जिन व्यक्तियों में मोटापे की समस्या है, उन व्यक्तियों में भी पेट से संबंधित समस्याएं ज़्यादातर देखी जाती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसओमेप्राजोल टेबलेट के बारे में। एसओमेप्राजोल टेबलेट और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, और ये अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जैसे सरपराज है, नेक्सियम है, नेक्स प्रो है, इनके नाम से मिल जाती है। और ये अपने जेनरिक नाम एसओमेप्राजोल के नाम से भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। आज हम मेडिसिन एजुकेशन में जानेंगे एसओमेप्राजोल के यूज के बारे में, इसकी डोज क्या होनी चाहिए, क्या इसकी साइड इफेक्ट हैं, और किन किन व्यक्तियों को इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्या इसमें सावधानी रखी जाती है, इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके यूज के बारे में जान लेते हैं। एसओमेप्राजोल टेबलेट और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, और एसओमेप्राजोल के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें यूज होता है, तो इसको पानी में घोल के भी आसानी से ले सकते हैं। एसओमेप्राजोल के जो यूज हैं वो GERD में, जैसे किसी को गैस ज़्यादा बन रही है, गले के अंदर गैस के कारण से मतलब जलन ज़्यादा हो रही है, उसमें इसको यूज किया जाता है। पेप्टिक अल्सर में, अगर पेट में छाले हो गए हैं, पेट की इंटेस्टाइन में किसी प्रकार के छाले हो गए हैं, जैसे ड्यूडेनम अल्सर में भी इसको यूज किया जाता है। एसओमेप्राजोल का जो यूज है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की ड्रग है, तो ये एसिड का जो सिक्रेशन है हमारे स्टोमक में बनते हैं जो एसिड, उसको ये कम कर देता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में जो खाना जाता है वो कुछ एसिड सिक्रेशन करते हैं, तो जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो एसओमेप्राजोल का यूज किया जाता है। इसका यूज हमेशा खाली पेट करना चाहिए, और भोजन से 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले करना चाहिए। एसओमेप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की ड्रग है, ये रेबीप्राजोल, ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल से फास्ट रिएक्शन करती है, जल्दी इसका रिजल्ट आता है, तो थोड़ा उनसे ज़्यादा बेटर है। मेरे काफ़ी वीडियो बनाए गए हैं पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल और रेबीप्राजोल के बारे में, तो वो आप जाके मेरे मेडिसिन एजुकेशन के चैनल में देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। एसओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की टेबलेट और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी जो डोज है वो पर डे 20 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार, या 40 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे हड्डियां कमज़ोर हो जाना अगर लंबे टाइम तक यूज़ किया जाता है, तो यूरिन डार्क कलर का आना, सिर में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन हो जाना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अब जो व्यक्ति अपनी हड्डियों से संबंधित कोई दवा ले रहा है, उन व्यक्तियों को अपने डॉक्टर की सलाह के बिना एसओमेप्राजोल का यूज नहीं करना चाहिए, और एसओमेप्राजोल का यूज दिन में सिर्फ एक ही बार करना चाहिए। 2 बार करने से ये इसके कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट देखने को भी मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।